हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं भी यहीं पर अच्छी हूँ। आज मैं मेरा ब्लॉग में दिखा रही हूँ गुटवा एंटीएस पर का गाना का दुर्गा पूजा का पार्ट सेकंड दिखा रही हूँ। तो कल मैंने पार्ट वन डाला था, आज मैं पार्ट टू डाल रही हूँ। देखिए, यही है दुर्गा मंडप। अभी देखिए माता जी का हमारा दर्शन हो गया। अभी हमने मेला में जाएंगे। देखिए, ये है माउथ का कुआ, बहुत डेंजर है। मीन्स उन लोगों के लिए तो प्रैक्टिस है, लेकिन हम लोग देखते हैं तो हमको इतना डर लगता है ना। इसमें दो स्कूटर और दो कार चलता है, बहुत भयानक। लेकिन उन लोग तो इजी होके करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं तो हमको इतना डर लगता है ना। पहले पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर आते हैं तो बहुत डर लगता है। आप भी देख लीजिए, थोड़ा झलक मैंने वीडियो किया था। इन लोग देखिए 5 मिनट से अभी उन लोग नीचे स्टार्ट करके घुमा रहे हैं। देखिए, ट्राई तो कर रहे, कोशिश कर रहे ऊपर आने के लिए। देखिए, स्टार्ट कर रहे। देखिए, एक स्कूटर अभी ऊपर चढ़ गया है। देखिए, पीछे से और एक स्कूटर देखिए लेके वो भी ऊपर आ रहा है। पहले एक दो राउंड वो नीचे किया, उसके बाद वो भी देखिए ऊपर आ गया। कोई कोई लोग ऊपर ऊपर खड़े हैं देखने के लिए, उन लोग पैसा देते हैं तो ऊपर तक इन लोग आके खींच के लेके जाते हैं। इन लोगों का हिम्मत को मानना ही पड़ता। इतना अच्छा चलाते हैं ना इन लोग। हम लोग ऊपर खड़े हैं तो हम लोग पूरा हिलते हैं, हमको थोड़ा डर लगता है कहाँ पे गिर जाएगा बोल के। लेकिन बहुत मजबूत से बनाया है ये मौत का कुआ। देखिए, अभी दो मोटरसाइकिल चलेगा, उसके बाद नीचे खड़ा है ना दो कार, वो भी ऊपर आएगा। चारों उन लोग ने साथ में घुमाते हैं। देखिए, अभी कार रेडी हो रहा है ऊपर आने के लिए। इन लोगों ने एक दो राउंड नीचे चलाएगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट ऊपर लेके आ जाएगा। देखिए, दोनों कार रेडी हो गए हैं, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। देखिए देखिए, अभी दो स्कूटर भी ऊपर है, नीचे से अभी दो कार भी ऊपर आ गए। देखिए, अभी देखिए कार भी ऊपर आ जाएगा। तो थोड़ा ही इन लोगों ने ये सब बनाया है बॉम्बू का, वो सब हिल रहा है क्योंकि इतना वेट हो गया ना दो कार और दो स्कूटर का, थोड़ा ये सब हिल रहा है। ऊपर तक आता है तो हम लोग भी हिलने के लिए चालू कर देते हैं, डर लगता है। देख लीजिए,
हो गए, सब फिनिश आ गए। पहले स्कूटर आ गए नीचे, उसके बाद कार भी नीचे आ गए। अभी हमारा यहीं पे मौत का कुआं देख के ख़त्म हो गया। अभी हम लोग नीचे मेला देखने के लिए नीचे उतर रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर सुंदर झूला आया था, बारिश था, कीचड़ हो गया था, लेकिन फिर भी सब लोग आए। देखिए कितना भीड़ है। इसका थोड़ा झूला का संख्या ज़्यादा आ गया था, इसलिए बहुत सारा झूला है। देखिए पूरा मैदान में झूला है, तो इसीलिए इस बार रावण को यहीं पे नहीं जलाया है, क्योंकि हर बार यहीं पे जलाते थे, लेकिन इस बार नहीं जलाए क्योंकि झूला बहुत सारा, पूरा ग्राउंड में झूला आ गया है। इसलिए इस बार ग्राउंड में, इस ग्राउंड में नहीं है, दूसरा ग्राउंड में रावण को जलाया है। इतना भीड़ था ना, बहुत भीड़ था। देखिए कितना सुंदर भी दिख रहा है।
नज़दीक के बच्चे लोग बोटिंग और जंपिंग मिकी माउस सब में एंजॉय कर रहे थे बहुत अच्छा 4-5 दिन अभी देखिए। लेकिन मेरे माँ का विसर्जन का टाइम नहीं गई क्योंकि मुझे माँ का विसर्जन देखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। देखिए रावण का दहन हो रहा है, इस बार बारिश हुआ था इसलिए रावण का दहन, रावण को जलाने का वक्त जल्दी नहीं जल रहा था, वो 2-3 बार उसको एक करना पड़ा तभी वो जला है इस बार। इस बार तो बहुत बारिश था इसलिए थोड़ा लेट हुआ, बट माता जी का विसर्जन का टाइम में कभी नहीं जाती होगी कि मुझे अच्छा नहीं लगता। माता आने का वक्त मुझे अच्छा लगता लेकिन जाने का वक्त अच्छा नहीं लगता। मेरा ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।